हेलो बच्चों, सो लास्ट लेक्चर अपना डिस्कनेक्ट हो गया था ड्यू टू इट वाज एन टेक्निकल एरर। उसमें अपन लास्ट में कहां पर थे, जेड इफेक्टिव के बारे में बात कर रहे थे। तो जेड इफेक्टिव का मतलब था अपने पास नेट चार्ज होता न्यूक्लियस। ये अपन ने जेड इफेक्टिव बराबर कैलकुलेट किया था इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। जेड इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड सिग्मा इज द स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। So, इसके लिए अपन डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। तो अब देखो अपनी पीरियोडिसिटी जो क्या होगी बेटा, इसके अंदर पीरियोडिसिटी ऑफ साइज देखो, इन ग्रुप के अंदर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, तो टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो उन शेल्स में रिपल्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। रिपल्शन की वजह से सिग्मा बढ़ेगा तो अपन क्या कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। इन ग्रुप एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो देन रिपल्शन इंक्रीजेस, हेंस रेडियाई ऑल्सो इंक्रीजेस। अब इन पीरियड के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे हमने कैलकुलेट किया था सोडियम और मैग्नीशियम के लिए लास्ट लेक्चर में, तो सोडियम और मैग्नीशियम के लिए एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम सेल। जब इलेक्ट्रॉन्स सेम सेल में ऐड होंगे वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन्स सेम सेल में ऐड होंगे तो क्या होगा उसके केस में, सेम सेल में ऐड होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो उसके केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव कैसे बढ़ेगा कि ये आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच में जब जेड इफेक्टिव बढ़ा तो ओवरऑल अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, as we move from left to right in a period, electrons are added in the same cell. Electrons कहाँ add होंगे बेटा, same cell के अंदर, due to which electrons जब same cell में add होंगे तो due to which Z effective increases. Z effective क्या होगा उसमें, increase होगा, hence size decreases as we move from left to right. तो ये इसकी periodicity होगी अपनी atomic size की। अब देखो अपने पास atomic जो radius है, atomic radius को अपन 4 categories में पढ़ेंगे, radii को, general radius और size of an atom, first ionic size और ionic radius, second is covalent radius, third is metallic radius, and fourth is van der Waals radius. ये अपने पास different 4 categories आएंगी जिसमें अपन discuss करेंगे इनको one by one. अब देखो बेटा इसमें ionic radius, सबसे पहले हम ionic radius को consider करते हैं। आयनिक रेडियस, तो आयनिक रेडियस आयंस के लिए कंसीडर करेंगे हम। अब आयंस अपने पास 2 होंगे, कैटायंस और एनायंस। तो ये देखो अपने पास कभी भी कैटायन का मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बना है। तो इसका बहुत आसान से कंसेप्ट है, देखो पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने। अब इसको आप जेड इफेक्टिव की टर्म्स में भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन वही जो टग ऑफ वार वाला जो एग्जांपल्स दे रहा था मैं लास्ट लेक्चर में, उसमें देखो कि एक अपने पास ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से 11 आदमी इधर रस्से को खींचने वाले हैं, 11 लोग इधर हैं,
तो जब बराबर बराबर होंगे तो रस्सा कहीं भी मूव नहीं जाए, मूव नहीं करेगा। उसके बाद देखो, अब कोई कम हो गया तो उनकी साइड से खींच के आ जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हुए, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ से अट्रैक्ट होके आएगा, किसकी तरफ आएगा, प्रोटॉन की तरफ। तो प्रोटॉन की तरफ आएगा तो साइज कम हुई या ज्यादा हुई, साइज कम हो जाएगी। इसके लिए एनायन के लिए, एनायन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो इसकी वजह से जेड इफेक्टिव क्या होगा, इसमें कम हो जाएगा। देखो केटायन फॉर्मड बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनायन इज फॉर्मड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखो कैटायन के दो एग्जांपल्स लेते हैं अपन। जैसे सोडियम ले लिया हमने सबसे पहले, तो सोडियम के लिए जैसे हमने कैलकुलेट किया था 1s2 2s2 2p6 3s1, ये आउटर मोस्ट अपने पास nth हो गया, दिस इज n-1 एंड दिस इज n-2। तो इसके लिए जेड इफेक्टिव निकालना है अपने को, तो जेड इफेक्टिव हो गया 11। और जिस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद n-1, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। इसके लिए वैल्यू कितनी थी, 0.35। तो 8 × 0.35 प्लस 2 × n-1 के लिए कितने थे अपने पास, 1। So this comes to be 0.35 और this is nth cell। और nth cell के लिए हमने ये consider किया था, nth cell के लिए 0.35 and n-1 के लिए था अपने पास ये 0.85। तो ये 0.035, this is 0.85। तो 0.85 into 8 plus 2 into 1, तो ये वैल्यू अपने पास आ गई 6.8 plus 2, this comes to be 8.11 minus 8.8, so this will give you 2.2। this is the Z effective for sodium। sodium के लिए आ गया अपने पास Z effective। अब देखो Z effective, अब next Na plus ions, कैटायन की रेडियाई डिस्कस कर रहे हैं हम। तो Na plus ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई अपने पास, 1s2 2s2 2p6। तो 1s2 2s2 2p6, अब यहाँ पे 3s में कितना हो गया, 0। तो 3s में 0, ये nth सेल था अपने पास, n-1 n-2। अब इसमें जब 0 हो गया यहाँ पे, तो अब n-1 के लिए जिस भी इलेक्ट्रॉन पे निकालना है उसको एक को हम लीव कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने बच गए अपने पास, 6 तो 8 है, तो 7 बच गए। अब 7 × 0.85, दिस इज 5.95 प्लस n-2 प्लस 2, तो ये अपने पास आ गया 7.95। अब 7.95, तो इसके लिए Z इफेक्टिव बराबर हो गया अपने पास 11 − 7.95, सो दिस कम्स टू बी 3.05। तो ये जो अपने पास 3.05 Z आया, और यहाँ पे कितना था Z इफेक्टिव की वैल्यू, 2.2। तो ये जो Z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी, तो व्हाट वी विल से, हम क्या बोलेंगे इसको, कि जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ रही है, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या करेंगे हम, उसके अंदर जो साइज है एटॉमिक साइज कम हो जाएगी। और एनायंस के केस में हो जाएगा इसका अपोजिट, कि उसमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सो इन केस ऑफ एनायंस सिग्मा इंक्रीजेस, हेंस
जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो गया, तो अपन एटॉमिक साइज के लिए बोल सकते हैं एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये तीन फैक्टर लगाएंगे अपन एटॉमिक साइज को प्रेडिक्ट करने के लिए, कि नंबर ऑफ सेल्स जितने ज्यादा साइज इतनी ज्यादा, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो साइज, जेड इफेक्टिव का मतलब नेट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, नेट चार्ज न्यूक्लियस पे ज्यादा तो अट्रैक्शन होगा तो साइज विल बी लेसर, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा मतलब सिग्मा, सिग्मा इतना ज्यादा तो सिग्मा ज्यादा तो साइज इतनी ही ज्यादा, सो दिस विल बी द, इसके भी आप पे अपन प्रेडिक्ट करेंगे। तो कैटायन के लिए देखो ये बोल सकते हैं हम, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब उसने इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे, तो इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे तो जो नेट अपन जेड माइनस सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से सिग्मा की वैल्यू कम हो जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया, तो सिग्मा की वैल्यू कम होगी तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एटॉमिक साइज छोटी होगी। तो ये बोल सकते हैं कि कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, मतलब जिससे वो बना है उससे कैटायन हमेशा छोटा होगा, और एनायन जिससे बना है एनायन हमेशा बड़ा होगा, जिस भी पेरेंट एटम से बना है, क्योंकि एनायन के अंदर रिपल्शन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। क्या बोल सकते हैं बेटा इसमें कि कैटायन, कैटायन विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, कैटायन हमेशा पेरेंट एटम से क्या होगा, छोटा होगा। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, एनायन, एनायन विल बी ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम, एनायन हमेशा पेरेंट एटम से क्या होगा बेटा, बड़ा होगा, और कैटायन हमेशा पेरेंट एटम से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये सारी चीजें अपन इनके भी आप पे बोल सकते हैं। अब देखो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि कैटायन के ऊपर मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा तो उसके अंदर जेड इफेक्टिव इतना ही ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा तो साइज इतनी कम हो जाएगी। मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज देन मोर विल बी एंड साइज विल बी स्मॉलर, साइज इतनी क्या हो जाएगी बेटा, छोटी हो जाएगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट नेगेटिव के लिए क्या बोल सकते हैं, मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज देन लेस विल बी द जेड इफेक्टिव एंड साइज विल बी लार्जर, मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज then lesser will be Z effective, hence size will be more, उसकी आयनिक साइज इतनी ज्यादा हो जाएगी। देखो अपन जैसे देखें कि Al plus 3, Al plus 2, Al plus 1, तो इसमें देखो एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा चार्ज इस पे है, तो इसके लिए Z effective की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो इसलिए सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, सबसे छोटा होगा Al plus 3, फिर एल्यूमिनियम। Likewise, we can say in case of anions, N3 minus, N2 minus, N minus. तो इसमें तीन इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, तो सिग्मा की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा N3 minus, फिर N2 minus, फिर N minus. So this is how we will predict the their size.
देखो पीबी प्लस फोर पीबी प्लस टू इनकी सबकी साइज के बारे में पता लगाना है आप लोगों को। एच जी टू प्लस एच जी प्लस एफ ई थ्री प्लस एफ ई टू प्लस। देखो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव चार्ज का उसकी आयनिक रेडियस पीबी प्लस टू ज्यादा होगा, इसमें एच जी प्लस वन की आयनिक रेडियस ज्यादा होगी क्योंकि उस पर लेस चार्ज है, एफ ई टू प्लस बड़ा होगा। नेगेटिव की बात करें अगर अपन O2 माइनस O माइनस तो O2 माइनस विल बी लार्जर देन O माइनस। सो दिस इज हाउ वी विल प्रेडिक्ट देयर आयनिक रेडियस। सो नाउ सेकंड सेकंड इज कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस देखो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वेरी लेस डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे दो एटम है तो इन दो एटम में जब शेयरिंग होगा तो कुछ पार्ट इनके अंदर इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का है वो कॉमन हो जाएगा। तो इट इज वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, तो इन दो का हाफ, तो ये रीजन कॉमन आ गया दोनों के अंदर तो ये दोनों में काउंट होगा, इसका मतलब कोवेलेंट रेडियस बहुत छोटा होगा। It is one half of the intermediate distance between two covalently bonded atoms. सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है, इस टर्म को अपन डिस्कस करेंगे बाद में। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट इन बॉन्डेड स्टेट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ उन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लेफ्ट लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो ये एक एटम है अपने पास, एस ऑर्बिटल्स हो गए, ये दूसरा एटम है एस ऑर्बिटल्स हो गए, तो ये इनके अंदर हो गया अपने पास, दिस इज द रीजन ऑफ ओवरलैप, ये इनका ओवरलैप रीजन हो गया। अब अपने को न्यूक्लियस निकाल के इसका रेडियस निकालना है, तो वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, देखो इसका आधा, ये अपने पास ए एटम है, दोनों सेम एटम मान लिए ए, तो ये आर ए आर बी आर ए, ये जो टोटल इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया डी ए, तो रेडियस आर ए क्या होगा बेटा इसमें डी ए ए के बीच में डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टू, वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, तो ये डी ए क्या हो गया इन दोनों के अंदर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। देखो मेन क्या है अपने पास कि अभी जैसे स्टार्टिंग में अपन ने डिस्कस किया था कि जो सिंगल एटम है उसको आइसोलेट करना मुश्किल है, इसलिए उसकी एटॉमिक रेडियस हम बॉन्डेड स्टेट में ही डिस्कस करेंगे। देखो जैसे ये सीएल है, क्लोरीन है और ये क्लोरीन के दो एटम है, तो इसका जो बीच के जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दिस इज 1.94 एंगस्ट्रॉम, 1.98 एंगस्ट्रॉम। अब इसके लिए आर सी एल निकालना है, सीएल का एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन बराबर क्या हो जाएगा 1.98 डिवाइडेड बाय 2 एंगस्ट्रॉम, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 0.99 एंगस्ट्रॉम, दिस विल बी द रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम। तो बॉन्डेड स्टेट के अंदर तो एटॉमिक रेडियस फ्रॉम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स, दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट से बॉन्ड से प्रेडिक्ट करेंगे अपन एटॉमिक रेडियाई को। तो देखो कैसे अपने पास ये क्या हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन ओ के बीच में निकालनी है तो इसकी हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन परऑक्साइड के बीच में से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाइट्रोजन की एटॉमिक रेडियाई निकालनी है तो NN सिंगल बॉन्ड N2H4 हाइड्रोजन होती है, N2H4 के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा उससे निकालेंगे अपन। इस तरीके से जैसे क्लोरीन का निकाला है ClCl से प्रेडिक्ट किया अपन ने, इस तरीके से अपन कार्बन कार्बन के बीच में प्रेडिक्ट करना है तो कार्बन कार्बन के बीच में जैसे C2H6 ले लिया इथेन तो C2H6 के बीच में से प्रेडिक्ट करेंगे अपन फ्रोमा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको बोलेंगे हम SBCR सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। SBCR इज द सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, तो इससे अपन प्रेडिक्ट करेंगे इसमें बॉन्ड लेंथ। अब देखो जैसे इसमें फर्स्ट केस है अपने पास कि जो दो एटम लिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये फर्स्ट केस तो लिया जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट ये एग्जैक्टली सेम थी। द सेकंड केस इज व्हेन देयर इज अ वेरी लेस डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, यहां पे तो EN ऑफ एटम्स सेम। सेकंड केस इज वेरी लेस डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में बहुत कम डिफरेंस हो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। जैसे अपने पास यहां पे है कार्बन और आयोडीन का केस कंसिडर करें हम, कार्बन और आयोडीन के बीच में तो कार्बन आयोडीन के बीच में यहां पे बॉन्ड लेंथ होगी DCI, तो डी बिटवीन सी एंड आई विल बी इक्वल टू आर ऑफ सी प्लस आर ऑफ आई। DCI कैसे निकाल सकते हैं बेटा, इसमें R ऑफ C प्लस R ऑफ I। DCI को हमने मान लिया इक्वल्स टू RC प्लस RI। अब मान लो अपने पास एक C की गिवन है और I की निकालनी है तो ये जो D और CI इनके बीच में ये जो बॉन्ड लेंथ होती है दिस इज इक्वल टू 2.13 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं हम 2.13 एंगस्ट्रॉम बराबर दिस इज 0.77 एंगस्ट्रॉम प्लस RI, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज RI विल बी इक्वल टू 2.13 माइनस 0.77 एंगस्ट्रॉम। इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे तो अपन अपने पास क्या आ जाएगी RI आ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड केस, पहला केस क्या था अपने पास सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस के दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, दूसरे केस में बहुत कम डिफरेंस हो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। थर्ड केस विल बी व्हेन डेल्टा EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लार्ज, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज हो तो उसके लिए अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए अपन यूज करेंगे स्टीवनसन्स एंड शोमेकर्स इक्वेशन। स्टीवनसन्स एंड शोमेकर्स इक्वेशन देखो स्टीवनसन्स और शोमेकर्स इक्वेशन में क्या है बेटा अपने पास, दिस इज इक्वल टू जैसे दो एटम है ए और बी, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज है तो DAB इक्वल्स टू RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN। DAB विल बी इक्वल्स टू RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN। डेल्टा EN इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को HF के लिए निकालना है HF की बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ पे R तो यहां से दिस इंप्लाइज DAB इनके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा DHF विल बी इक्वल्स टू H केटायन RH प्लस RF माइनस 0.09, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो फ्लोरीन की EN है
फ्लोरीन की 4.0 और हाइड्रोजन की होती है 2.1, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ गया अपने पास 1.9, तो इनटू 1.9 इन दोनों का डिफरेंस, तो DHF ये हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस के लिए हाइड्रोजन के लिए आता है 0.72 एटॉमिक रेडियस, और फ्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस होता है ये अपने पास होता है 1.54, तो 0.72 डिवाइडेड बाय 2 मॉलिक्यूलर रेडियस, और ये अपने पास आ गया 1.4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.09 इंटू 1.9। सो इसके अपन ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं इससे अपने को। तो ये अपने पास बेटा 3 डिफरेंट केसेस कि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब लार्ज जब दोनों की सेम हो तो उसके अंदर हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर उसके बाद अपने पास बहुत कम डिफरेंस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में दोनों की बॉन्ड लेंथ में दोनों की एटॉमिक रेडियाई के बराबर पुट कर देंगे। उसके बाद जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो तो स्टीवनसन एंड शोमेकर्स इक्वेशन यूज़ करेंगे, जैसे ये आर ए प्लस आर बी, इसलिए अपन ने एच एफ के लिए कैलकुलेट किया है ये डिफरेंट वैल्यूज़। तो ये एंगस्ट्रोम में होता है ये रेडियस, दिस इज एन एंगस्ट्रोम, उसमें से माइनस 0.09 इंटू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसके भी आप पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं उनकी कोवेलेंट रेडियाई। नाउ द थर्ड इज मेटालिक रेडियाई। देखो मेटालिक रेडियाई क्या होता है, इट इज द वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल एटम्स, बॉन्डेड बाय अ टू मेटल एटम्स बॉन्डेड बाय अ मेटेलिक बॉन्ड, दो मेटल एटम्स जिनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड से जो बॉन्डेड हो उनका वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। देखो ये एक मेटल एटम है और ये दूसरा मेटल एटम है, तो इनका वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इनके न्यूक्लियस के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये आ जाएगा अपने पास, तो इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमने मान लिया dm, तो rm मेटेलिक रेडियस क्या हो जाएगी अपने पास dm बाय 2। देखो बेटा इसमें और कोवेलेंट रेडियम मेटेलिक बॉन्ड बनता है, मेटेलिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड कर्नल्स होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसके बाद जो बचता है एटम उसको न्यूक्लियस उसको कर्नल्स, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स सेटअप होता है, दो एटम्स ऐसे ही टच में होंगे कैसे, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड में तो दो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही थी यू, और इसमें यू डायरेक्टली टच में, तो इसका मतलब कोवेलेंट और मेटेलिक बॉन्ड में कौन बड़ा होगा, मेटेलिक बॉन्ड विल बी लार्जर, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में तो ये जो कॉमन रीजन आ गया तो ये कॉमन रीजन दोनों के साथ काउंट होगा, तो वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू मेटल एटम्स बॉन्डेड बाय अ मेटेलिक बॉन्ड, तो मेटेलिक बॉन्ड के अंदर मेटेलिक बॉन्ड विल बी लार्जर एज कंपेयर टू अ कोवेलेंट बॉन्ड। Fourth is van der Waals radii। देखो van der Waals radii क्या होगा,
इट इज वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, टू नॉन बॉन्डेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट के अंदर जैसे अपने पास सॉलिड स्टेट में ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ClCl, ये दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल है ClCl. अब ये दोनों क्लोरीन क्लोरीन आपस में बॉन्डेड है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स नजदीक हैं, तो इनके बीच में जो वीक फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस. वैन डर वाल फोर्सेस, तो वैन डर वाल फोर्सेस, तो उनके बीच में जो रेडियस होगा, देखो इसका और इसका सेंटर, इन दोनों के सेंटर का वन हाफ हाफ पार्ट ले लो, तो ये देखो दोनों नॉन बॉन्डेड है. और ये किस स्टेट के अंदर होगा? दिस विल बी ओनली इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट. ये वैन डर वाल रेडियस हम सॉलिड स्टेट में निकालेंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी कितनी है. तो यहाँ पे R जो Cl आएगा, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम dCl. तो RCl जो वैन डर वाल रेडियस होगा विल बी dCl डिवाइडेड बाय 2. तो dCl विल बी मोर, सबसे ज्यादा होगा. और ये जो dCl होगा, अभी जैसे अपन ने क्लोरीन का कैलकुलेट किया था 1.98 लिया था, ये 1.98 जो डिस्टेंस था Cl के अंदर और एटॉमिक रेडियस, ये तो था 1.98 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू RCl. ये तो था कोवेलेंट रेडियस SBCr, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस. अब जो वैन डर वाल रेडियस हुआ W, वैन डर वाल रेडियस, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोवेलेंट रेडियस. कोवेलेंट रेडियस का लगभग ये डबल होगा वैन डर वाल रेडियस, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस हम नॉन बॉन्डेड स्टेट में पढ़ेंगे और ये वैन डर वाल गैसेस के लिए ग्रुप के अंदर पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वैन डर वाल गैसेस जो नोबल गैसेस है, सॉरी नोबल गैसेस के अंदर जो एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बहुत वीक होंगे, तो सॉलिड स्टेट के अंदर उनके अंदर वीक वैन डर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे. तो उन वीक वैन डर वाल फोर्सेस के अंदर जो हम रेडियस निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? वैन डर वाल रेडियस. तो सबसे ज्यादा अपना अगर इन सबको कंपेयर करें देखो, सबसे बड़ा हो गया अपने पास वैन डर वाल रेडियस, उसके बाद मेटेलिक रेडियस, और सबसे छोटा कौन होगा अपने पास? कोवेलेंट रेडियस, अगर इनके रेडियस को कंपेयर करना हो तो अपने पास. और फिर आयनिक रेडियस अपन ने डिफरेंट में कंपेयर किया है. अब इसकी जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी रिगार्डिंग द रेडियस, देखो पीरियोडिसिटी जैसे फर्स्ट अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर डिस्कस करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जैसे ग्रुप 13 ले लिया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद स्टार्ट होना है, तो इसमें इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन का क्या फर्क पड़ेगा? देखो 13 ग्रुप में बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. देखो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 और गैलियम का है 31. देखो 13 से 31 के बीच में ये अपने पास पीरियड नंबर सेकंड का है, थर्ड फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है. तो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट में जब 31 में जाएंगे तो 3D विल बी फिल्ड, 3D फुल भर जाएंगे. तो 3D फुल भरेंगे तो गैलियम के अंदर देखो 3D इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स जब फुल भर जाएंगे जिसमें भी, तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स अंदर होने की वजह से दे विल बी मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो उनका शील्डिंग इफेक्ट तो हो जाएगा पुअर. तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो जेड इफेक्टिव उसकी वजह से क्या होगा? ज़्यादा. तो साइज जो है गैलियम की जो साइज है अगले वाले जो एल्युमिनियम गैलियम से भी बड़ा होगा. देखो कैसे कि एल्युमिनियम की अपने पास कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. उसके बाद गैलियम की अपने पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1. अब देखो बेटा गैलियम में d जो 10 है, d10 आर फुल्ली फिल्ड, d10 फुल्ली फिल्ड एंड दे आर इनर, इनर दैट इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के वो क्या होंगे? ज्यादा नजदीक होंगे. तो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होंगे
तो देयर शील्डिंग इफेक्ट विल बी शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा उनका पुअर, और ये जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है ये किसकी वजह से है, ड्यू टू फुली फिल्ड 3D, तो इस फिनोमिनन को वी कॉल इट एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। सो क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए जो साइज होगी अपने पास, साइज ऑफ गैलियम विल बी लेस देन साइज ऑफ Al, एल्यूमिनियम की साइज से भी गैलियम की साइज कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ गैलियम। वैसे पीरियोडिसिटी में अपन ने क्या डिस्कस किया था, पीरियोडिसिटी में हमने देखा था कि ग्रुप में जैसे हम टॉप टू बॉटम चलेंगे, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो शेल का नंबर बढ़ेगा, शेल का नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी, तो गैलियम में भी साइज बढ़नी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि गैलियम में जो 3D ऑर्बिटल्स हैं वो फुल भर गए, और वो जस्ट 31 गैलियम से पहले 30 जिंक आया था डी ब्लॉक एलिमेंट, तो वो फुल भरने की वजह से वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल तो है इसमें 4, तो 3D जब न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा तो उनका जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो तो होगा पुअर। तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा मतलब रिपल्शंस पुअर हो गए, रिपल्शंस पुअर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो साइज जो है साइज छोटी हो जाएगी, और इस फिनोमिनन को अपन बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, और ये सेम फिर आगे पूरी पीरियड में चलता हो जाएगा, लेकिन उसका इफेक्ट धीरे धीरे जैसे हम आगे की तरफ चलेंगे तो लेस प्रोनाउंस्ड हो जाएगा। लेकिन वेरिएशंस इन द रेडियाई, जैसा कि जो टॉप से बॉटम चलते हैं तो नॉर्मली जो इंक्रीज होनी चाहिए वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी, तो वो किसकी वजह से नहीं मिलेंगी, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल्स। आप देखो डीप लोक में जैसे कि हम देखें देखो ये अपने पास लैंथनम है, और लैंथनम के बाद है जिरकोनियम, तो इसका 57 एटॉमिक नंबर है, इसका 72 है, तो इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे गए थे, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेक किया था 4F सीरीज के अंदर, 4F के अंदर ये 14 इलेक्ट्रॉन्स गए थे। अब देखो जिरकोनियम और लैंथनम ये कौन से पीरियड में आ रहे हैं अपने पास, ये 6th पीरियड के एलिमेंट्स थे, जिरकोनियम एंड एफनम दे आर इन 6th पीरियड। तो देखो आउटर मोस्ट अपने पास 6th है, ये 5th है, और ये 4 है, 4th पीरियड है, ये 4th सेल के अंदर 4F14 फुल। तो 4F सेल में जब ये 4F14 फुल होंगे तो ये अपने पास न्यूक्लियस है, 4F14 फुल एंड मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होंगे, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होंगे 4F फुली फिल्ड होने की वजह से, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होने की वजह से देयर देयर शील्डिंग इफेक्ट विल बी पुअर। इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा 4F फुली फिल्ड का, पुअर होगा, तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा उसकी वजह से साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, हेंस साइज विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बेटा उसमें, देखो कैसे, जैसे अपने पास यूट्रियम है और ये है नीचे लैंथनम, यूट्रियम के बाद ये जिरकोनियम, ये इस तरीके से। अब देखो लैंथनम जब टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो साइज बढ़ रही है, तो यहां पे इंक्रीजेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, लेकिन जो साइज है, साइज ऑफ लैंथनम ये जिरकोनियम, साइज ऑफ जिरकोनियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ ऑफनियम, जिरकोनियम और ऑफनियम की साइज ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी। तो ये सेम क्यों हुई जिरकोनियम और ऑफनियम की, क्योंकि लैंथनम का एटॉमिक नंबर था 57 और ऑफनियम का कितना हुआ 72, तो बीच में जो 14 इलेक्ट्रॉन आए, 14 इलेक्ट्रॉन्स, वो 14 इलेक्ट्रॉन किस में भरे गए 4F में, 4F ऑर्बिटल ये कौन से पीरियड में आ रहा था, 6 पीरियड में आ रहा था, तो 4F ऑर्बिटल जो है वो चौथे सेल में है और उसके बाहर 2 सेल और हैं, तो ये चौथे सेल में है, तो न्यूक्लियस के पास इनकी जो अप्रोच है,
न्यूक्लियस के पास इनकी अप्रोच ज़्यादा बेटर होगी, तो न्यूक्लियस के पास अप्रोच ज़्यादा होगी तो ये न्यूक्लियस की तरफ खींचते हुए आ जाएगी और साइज उनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं, दिस फिनोमिनन इज नोन एज लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। This phenomenon is known as lanthanide contraction. Poor shield, 3D की fully filled की वजह से जो size में contraction होना, that is known as transition contraction, and this will be known as lanthanide contraction. अब अपन group में period में बात करें, जैसे अपने पास scandium, science teacher Vinita Kriplani. देखो ये है बेटा अपने पास, अब देखो यहां से स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21 और जिंक का है 30, तो यहां से जब यहां तक चलते हैं अपन तो 3D आर फील्ड, 3D में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, तो इसमें स्कैंडियम सबसे ज्यादा होता है। देखो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो स्कैंडियम सबसे बड़ा, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनका लगभग बराबर है, तो इनका लगभग बराबर है, फिर कॉपर इनसे बड़ा और फिर ये जिंक। देखो इन सब में यहां से लेके यहां तक कम हो रहा है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। जब स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक कम हो रहा है, इसका मतलब इसमें इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। इन सब में तीनों में बराबर है, तो इनमें क्या कह सकते हैं हम, जेड इफेक्टिव इज विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। और यहां पे क्या हो गया, कॉपर जो है कॉपर बड़ा हो गया। देखो कॉपर के अंदर अपने पास 3D10 था और जिंक के अंदर भी 3D10 था, तो 3D10 फुल भरने की वजह से उसमें शील्डिंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये ज्यादा हो गया। तो कॉपर और जिंक के अंदर जेड इफेक्टिव विल बी लेस देन स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसलिए इनकी साइज के अंदर इस तरीके की वेरिएशन अपने को ऑब्जर्व होंगी। So these are the different atomic and ionic radii.